इन द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन। तो गाइस, आज जो है ना वो हम माइक्रोबियोलॉजी की जो है ना वो इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके अंदर जो है माइकोलॉजी से रिलेटेड होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ, अभी ये जो है ना मैंने सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है। देखें यार, पेजेस जो है ना वो बनते हैं दरख्तों से, ठीक है, और कोई बंदा दरख्तों को काटे ना तो मुझे बड़ा दुख होता है। अब दरख्त कटेगा तो पेज बनेगा, नो डाउट रिसाइकल भी हो जाते हैं, लेकिन कितना को रिसाइकल कर लेते हैं, 3-4 फेजेस के बाद वो रिसाइकल भी काम का पेज नहीं बनता, सही है। तो इस वजह से मैंने सोचा यार क्यों ना हम ना इस पेजेस को बचाने के लिए कोई स्टेप लें। तो मैं एक्चुअली सेल्फलेस मेडिकोज का जो है ना आइडिया, उससे काफ़ी ज़्यादा मुतासर था। लास्ट डेज में मेरी उनसे बात भी हुई, ठीक है, उन्होंने काफ़ी मुझे अच्छे मशवरे दिए, ठीक है, चैनल के बारे में, ठीक है। मैं स्टडी से रिलेटेड नो डाउट मेरे अंदर है ना कुछ कमी रह जाती है पढ़ाने में, तो मैं उनसे गाइडलाइन लेता रहता हूँ। थैंक्स सच अ काइंड लेडी, शी इज़, उन्हीं का आइडिया जो है ना वो मैंने अप्लाई करने लगा हूँ कि अब हम ना ये, मैं कल रात को 12 बजे आलमोस्ट जाके ये मैंने लेके आया था ना वाइट बोर्ड छोटा सा, ठीक है, तो उसके साथ ये मार्कर्स तो कुछ मेरे पास थी और कुछ मैंने परचेज़ कर ली। अब इंशाल्लाह इसी जो है ना वाइट बोर्ड के ऊपर हम सारे का सारा फ्लो चार्ट जितने भी है ना वो जल्दी जल्दी बनाएंगे और इसी के ऊपर रेज करेंगे। नंबर एक, हमारी बचत हो जाएगी पेजेस की, और नंबर दो, आपका टाइम भी कम लगेगा, मेरा टाइम भी, क्योंकि पेज के ऊपर लिखना ना ज़रा वो ज़ोर से लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो सिंपल आप मार्कर को यूँ यूँ करें तो वो चलना शुरू हो जाती है। तो एक फ़ायदा ये भी हो गया, ठीक है। ये तमहीद मानने का मतलब ये था कि थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है, आप इसके मुताबिक अपने आप को अडाप्ट कर लेंगे। ये चंद एक स्टूडेंट की जो है ना वो ख्वाहिश के ऊपर जो है ना वो मैं माइकोलॉजी की वीडियो बना रहा हूँ, और जिसको फ़ायदा होता है मुझे नहीं पता किस किस को इस वीडियो से फ़ायदा होगा, फ़ायदा ले ले और दुआ में याद रखिएगा। कोशिश करूँगा अपना बेस्ट दूँ, बाकी जो कमी रह जाएगी आप खुद रीड करेंगे। बेसिक माइकोलॉजी, बेसिकली माइकोलॉजी होता क्या है, ये होता है फंजाई से रिलेटेड जितने भी आपको बातें सिस्टम करनी है ना, उसे हम कहते हैं माइकोलॉजी की अंदर। हमने इसके अंदर स्ट्रक्चर और ग्रोथ डिस्कस करना है, पैथोजेनेसिस डिस्कस करेंगे हम, फंगल टॉक्सिन हो गया और लेबॉरेटरी डायग्नोसिस हो गया। इसके अलावा ये थेरापीज वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है अभी तक, तो नहीं है, अगर आ जाए तो आप खुद देख लीजिएगा, ये फिर नेक्स्ट ईयर में भी आ जाए या ना आए कोई इसका इतना इशू नहीं होता। बच्चों वाली बातें, आप अगर अपना जो है ना वो FSC फर्स्ट ईयर जो है ना वो उसको रिकॉल करें ना, तो आपको ये पहला चैप्टर तो ऑलमोस्ट वही है। मोटी मोटी बातें बताऊंगा, उसके बाद हम जो है ना क्यूटेनियस माइकोसिस के ऊपर चलेंगे इंशाल्लाह, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके लिए कुछ चार्ट बना रखे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है ना वो हम ड्रा करेंगे, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सॉरी फॉर दैट, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वो बेसिकली कह रहा है कि फंजाई जो है ना, एक तो वो है यूक्रियाट्स। यूक्रियाट्स मैंने किस तरह याद किया था, FUNGI, हमेशा मैं MCQ गलत करता था, लेकिन फिर मैंने देखा कि फंजाई के अंदर यू आ रहा है ना, और यूक्रियाट्स के अंदर भी यू आ रहा है, तो दोनों मिल रहे हैं, यू यू आ रहा है, तो यूक्रियाट्स एक बात ये होगी। यार फोकस को क्या है, ओके, तो ठीक है, इसके अंदर यीस्ट और मोल्ड आ जाते हैं, ये तो बच्चे बच्चे को पता है ना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है ना, ये टेबल आपने स्किप नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, जिसने ये स्किप कर दिया समझो उसको जो है ना वो माइकोलॉजी पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। फंजाई जो होते हैं ना वो अप्रॉक्सीमेटली 4 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो फंजाई होते हैं ना वो लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, इस वजह से आप कह रहे हैं कि ये बड़ा डायमीटर होता है, जिस तरह कैंडिडिया हो गया 4 माइक्रोमीटर तक हो जाते हैं, जबकि बैक्टीरिया छोटे छोटे हम नज़र ही नहीं आते, 1 माइक्रोमीटर जो होते हैं ना वो तक होते हैं। माइक्रो 10^10 टेक्सामीटर डालेगा, माइक्रो मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो आटो, ठीक है, वो 10^-6 6 होते हैं ना, ठीक है, उसके -6 होते हैं। ये क्या था, न्यूक्लियस, इसका यूक्रियाट होता है, फंजाई का इसका होता है प्रोक्रियाट, यू इसके अंदर आ रहा है तो इसके मतलब ये यूक्रियाटिक होगा, तो साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोक्रियाट उसके अंदर जो है ना मैटर वो ऑर्गेनेलिज होती है, यूक्रियाट के अंदर ऑर्गेनेलिज नहीं होती, तो आप कह दें कि माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर नहीं होती, सिंपल बात, बच्चों वाली बातें हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना वो जो इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो MCQ में लगती है, जो स्टीरोल जो होता है ना वो फंजाई के अंदर प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो है ना स्टीरोल एब्सेंट होता है सिवाय माइकोप्लाज्मा के, बस ये बात आपने अपने तवीज़ बना के रख लेनी है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर जो है ना वो स्टीरोल होता है, बाकी किसी बैक्टीरिया के अंदर स्टीरोल नहीं होता, लेकिन फंजाई सब के अंदर स्टीरोल होता है।
उसके अलावा हमारे पास जो होता है ना काइटिन, इसके अंदर होता है, ये भी आपको पता होगा, इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। किसको नहीं पता, अब जिसने बैक्टीरियोलॉजी पढ़ी हुई है ना उससे तो अब ये पता ही होगा पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। कुछ के अंदर म्यूरेन भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब स्पोर्स जो होते हैं ना फंजाई के, सेक्सुअल भी होते हैं और ए सेक्सुअल भी होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया कब स्पोर बनाते हैं, जब उन्हें अपने सर्वाइवल जान के लाले पड़े होते हैं ना, फिर वो बैक्टीरिया चुप करके स्पोर बना लेते हैं ताकि वो हम ना हार्श कंडीशन के अंदर जो है ना वो सर्वाइव कर सके। तो एंडोस्पोर जिन्हें हम कहते हैं सिंपल, ये सेक्सुअल और ए सेक्सुअल, ये सिंपल एंडोस्पोर बना देते हैं। थर्मल डाइमॉर्फिज्म, इसकी जो है ना वो शेप्स चेंज होती रहती है, लेकिन बैक्टीरिया एक खास किस्म का ही रहता है इसकी इतनी। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, रिक्वायर ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है, ये क्या करता है कार्बन को खाता है, ठीक है, फंजाई, लेकिन ये जो है ना इसको कोई ऑर्गेनिक कार्बन वगैरह नहीं रिक्वायर्ड होता। अच्छा, और ये जो है ना ऑर्गेनिक कार्बन खा लेगा लेकिन मतलब सूखी रोटी छोटी खा लेगा, इसलिए ये नॉन नो ऑब्लिगेट एन अरोब है, मतलब इसको कोई हो जो है ना वो होस्ट ऑब्लिगेट होता क्या बेसिकली, जिसको हमेशा होस्ट चाहिए, वरना अगर होस्ट मर गया तो ये भी मर जाएगा, लेकिन फंजाई के अगर होस्ट ना भी होना तो ये फिर भी कुछ ना कुछ सर्वाइव कर जाता है, चट्टानों के ऊपर भी उगी होती है ना, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये नो ऑब्लिगेट एनरोब है, हर तरह की कंडीशन में हो सकते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया जो है ना मोस्टली ऑब्लिगेट एनरोब होते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन के बगैर, और हमेशा जो है ना इन्हें जो है ना वो एक कोई ना कोई होस्ट चाहिए, किसी के अंदर इन्फेक्शन करेंगे, अगर बंदा ही नहीं रहेगा तो ये बैक्टीरिया भी मर जाएंगे, ठीक है, होस्ट नहीं है तो बैक्टीरिया भी नहीं है, इसके अंदर होस्ट नहीं है तो ये कुछ ना कुछ जिंदा रह जाते हैं, ये एक बात आप जाते हैं। सेल वाल के अंदर वो कहता है काइटन होती है, एलरेडी हमने बता दिया, ठीक है, दस फंजी, हाँ क्योंकि अब काइटन इसके अंदर होती है तो फंजी के ऊपर हम जितनी मर्जी एंटीबायोटिक, ये मतलब सपोज फंजी का इन्फेक्शन है ना, फंगल इन्फेक्शन है, इसके ऊपर एंटीबायोटिक देने का कोई असर नहीं है, क्यों, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करती है, बैक्टीरिया के ऊपर क्यों, क्योंकि उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है ना, तो ये एंटीबायोटिक ने हमेशा पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो है ना वो सेंथेसिस को इनहिबिट करना होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर तो फंजाई के अंदर तो पेप्टाइडोग्लाइकेन है नहीं, तो जितनी मर्जी एंटीबायोटिक दे लो फंजाई के ऊपर रत्ती बराबर असर नहीं हो रहा, एक बात याद रखनी है। काइटन जो होता है ना वो क्या होती है, बेसिकली काइटन हमारे पास होती है पॉलीसेक्राइड, आपने देखा ना मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, तो पॉलीसेक्राइड जिसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ जो है ना शुगर वो चेन होती है ना, तो वो पॉलीसेक्राइड चेन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, नैग से मैंने याद किया था, नैग एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन होती है इसके अंदर, फंगल सेन के अंदर इसके अलावा क्या क्या होता है हमारे पास, मैं जल्दी से ये रिव्यू करता हूँ, ये आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ मेरे जैसे होते हैं जिन्हें नहीं समझ आती तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या होता है, मोस्टली मोस्ट ऑफ द बीच बीटा ग्लाइकेन होता है, ठीक है, एक तो काइटन होता है, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन हो गया, इसके अलावा बीटा ग्लाइकेन होता है। अब बीटा ग्लाइकेन जो होता है ना वो बेसिकली क्या है, डी ग्लूकोज का लॉन्ग पॉलीमर है, बीटा ग्लाइकेन जो है ना वो डी ग्लूकोज का जो है ना वो लॉन्ग एक हमारे पास कहने के पॉलीमर है, ठीक है, उसके मिलके जो है ना काफ़ी सारे डी ग्लूकोज मिलके बीटा ग्लाइकेन बनाती है। अब ये क्या कहते हैं मेडिकल इंपोर्टेंस की, बीटा ग्लाइकेन क्या है, ये साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटी फंगल, जितनी भी हम एंटी फंगल देती है ना वो बीटा ग्लाइकेन के ऊपर जाके एक्ट करती हैं, एंटीबायोटिक कहाँ पर कर रही थी, पेप्टाइडो ग्लाइकेन की सिंथेसिस रोकती, ये क्या कहती है बीटा ग्लाइकेन, एंटी फंगल जो है बीटा ग्लाइकेन को रोकती है, जिसकी वजह से फंजाई की जो है ना वो ग्रोथ रुक जाती है, मेन पॉइंट पर वो जाके इसने एक्ट करना है, एक बात ये होगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ सेल वाल जो होते हैं ना फंजाई की, यार फोकस सच क्यों नहीं हो रहा, सेल वाल के अंदर क्या होता है लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज, अब ये डी ग्लूकोज मिलके बना देते हैं डी ग्लाइकेन, अब डी ग्लाइकेन के ऊपर जो है ना वो एंटी फंगल एक्ट करती है, एंटी फंगल का उसने नाम लिखा हुआ है कैस्पो फंगिन जो होता है ना, ये हमारे पास एक एंटीबायोटिक एंटी फंगल आती है, ठीक है, कैस्पो फंगिन, तो ये आपने एक बात याद रखनी है। इसके अलावा हमारे पास होता है फंगल सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो फंगल के अंदर जो होता है ना हमारे पास सिंपली क्या होता है, सिंपल वर्ड में बता दूँ, दूसरे नंबर पर पहले पॉइंट में उसने कहा था कि डी ग्लाइकेन होता है, ठीक है, अब डी ग्लाइकेन किसका है, वो पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज है, ग्लूकोज डी ग्लूकोज के पॉलीमर मिलके डी ग्लाइकेन बनाते हैं, डी ग्लाइकेन के ऊपर क्या एक्ट करता है आके हमारे पास सिंपली एंटी फंगल जितनी भी दी होती है ना मैं हमने, ठीक है, एंटी फंगल आके डी ग्लाइकेन के ऊपर, जिसकी वजह से फंगल की ग्रोथ रुक जाती है। मज़ा आ रहा है ना वाइट मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, एनीवेज नया नया तो होप सो, ठीक है, तो एंटी फंगल इसके ऊपर आ जाएंगे। नंबर दो भी हमारे हमने क्या डिस्कस करना है कि वो जो फंगल सेल मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, फंगल सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर क्या होता है हमारे पास एर्गोस्टीरोल होता है, लेकिन आपने जो ह्यूमन की सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है ना उसके अंदर क्या होता है सिंपल कोलेस्ट्रॉल होता है, तो फंगल के अंदर कोलेस्ट्रॉल की जगह वो कह रहा है एर्गोस्टीरोल होता है। अब इस एर्गोस्टीरोल का बेसिकली क्या है कि वो सेल मेम्ब्रेन विच कंटेन कोलेस्ट्रॉल हो गया सिलेक्टिव एनर्जी, जिसके अंदर एम्फोपैथिंग बी होते हैं, एजोल ड्रग्स होते हैं, ठीक है, वो सारी आप देखें
फ्लुकोनाजोल हो गया और कीटेनाजोल हो गया, और फंजाई बेस डिफरेंस हो गई है। टू टाइप्स ऑफ फंजाई कौन कौन सी हैं? फंजाई की वो कहता है दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ फंज। यार एक मिनट,